मोहर्रम पर्व के दौरान डीजे बजाने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। खोदाबंदपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित। खोदाबंदपुर बेगूसराय मोहर्रम पर्व के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया रहेगा। सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास न करें, आपसी भाईचारे के साथ मोहर्रम पर्व मनाए। उपयुक्त बातें मंजोर SDPO श्याम किशोर रंजन ने सोमवार को खोदाबंदपुर थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में बोलते हुए कही। उन्होंने मोहर्रम के मौके पर तजिया मिलन स्थल बरियारपुर पश्चिमी में भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। SDPO ने पर्व के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों को भी विशेष ध्यान रखने की अपील की। वहीं पुलिस प्रशासन निरीक्षक दीपक कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया के अफवाहों से बचने की जरूरत है, इससे परहेज रहे। नशेड़ियों के विरुद्ध धर पकड़ अभियान भी चालू रहेगा। उन्होंने बरियारपुर पश्चिमी गांव स्थित तजिया मिलन स्थल की जगह को अतिक्रमण से मुक्त करवाने का निर्देश स्थानीय अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को दिया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए CO अमरनाथ चौधरी ने कहा कि मुहर्रम कुर्बानी और शहादत की याद दिलाता है, इसे मुसलमान और हिंदू भाई मिलजुल कर मनाए और एक दूसरे का सहयोग करे, माहौल को बिगाड़ने नहीं दे। इस मौके पर थानाध्यक्ष सुधीर राम ने कहा कि मेला स्थल पर CCTV के जरिए निगरानी की जाएगी और सामाजिक तत्वों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष घटी घटना को देखते हुए मुहर्रम को लेकर बरियारपुर पश्चिमी पंचायत के दरगाह टोला और मटकोरा टोल के चिन्हित 10-10 लोगों के विरुद्ध बॉन्ड बनाया जाएगा। बैठक में BDO नवनीत नवन, प्रखंड प्रमुख संजू देवी, बरियारपुर पश्चिमी पंचायत के मुखिया बाबू प्रसाद वर्मा, सरपंच नवीन प्रसाद यादव, सागी पंचायत के मुखिया मोहम्मद इसाद आरम, फफौत के सरपंच दिलदार हुसैन, पूर्व मुखिया अनिल कुमार, दौलतपुर मुखिया उमा कुमार चौधरी, सरपंच भोला पासवान, प्रखंड जदयू अध्यक्ष मनीष कुमार, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष नाज हसन, समाज सेवी त्रिवेणी महतो, गोपाल पासवान, शंकर यादव, जागेश्वर राय, सीताराम दास, गुफरान कमर, मोहम्मद शैफी, मोहम्मद हेना, अवधेश कुमार, गोपाल कृष्ण, मदन सहनी, मोहम्मद रुस्तम, शकील अहमद समेत अनेक लोग मौजूद थे। बेगूसराय के खोदाबंदपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट।